तो चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा कुछ क्वेश्चन इस तरह है, फाइंड द जीसीडी ऑफ टू नंबर्स आर गिवन 714 एंड 1320। ठीक है, ये दोनों इंटीजर हैं, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ यम ऑफ 714 प्लस यन ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ पर क्या है, जो यम और यन है दो इंटीजर नंबर्स है। हमारे पास एक फार्मूला है दोस्तों जो कुछ इस तरीके से है, अगर हमारा जो बी डिवाइड्स ए हो रहा है, यानी दो इंटीजर है, अगर बी डिवाइडेड बाय ए है तो हमारा जो बी इक्वल टू होगा ए क्यू प्लस आर। डिवीजन का एल्गोरिथम यही होता है ना, जैसे मैं यहाँ आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा कोई नंबर है बी, यहाँ पर ए से उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन का आएगा, नीचे रिमाइंडर आएगा, तो ए और क्यू का मल्टीप्लाई प्लस आर कर देंगे तो नथिंग बट हमें बी मिल जाएगा। बराबर, तो यही हमें क्या करना है, बार बार इटरेट करते जाना है। ठीक है, इसको मैं इसी लिख के रखता हूँ आपके समझने के लिए। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं अच्छे से। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है और बच्चे एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हमें इसको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पर जो बी है वो है 1320। ठीक है, 1320 है, इसको डिवाइड कर रहा है 714, ये हमारा है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। पहले बी क्या है हमारा 1320, ठीक है, इक्वल टू चला जाएंगे। अब हमारा क्यू और आर, रिमाइंडर और क्वेश्चन, दो चीज़ निकालना पड़ेगा, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग 714 से, तो इसका क्वेश्चन तो वन आ जाएगा, वन टाइम जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर 606। हर बार मैं डिवाइड नहीं करूँगा दोस्तों, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, जो यहाँ पर ए रहता है, यानी जिससे डिवाइड करता है, ठीक है, जो डिवाइजर रहता है खुद ही डिवाइड बन जाता है, मतलब कि ये अंदर वाला पार्ट यही बन जाता है, समझ रहे हो। तो अब ये वाला अंदर वाला पार्ट बन जाएगा, क्या बोलते हैं आप उसको ध्यान में रखो, और जो रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर से हर बार हम उसको डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों वैल्यू कोई नई वैल्यू नहीं है, ये तो ये वाली वैल्यू कहाँ से मिली, यहाँ से नीचे से, और ये वाली वैल्यू रिमाइंडर से मिली। ठीक है, अब ये ऊपर वाला हमेशा याद रखो, यहाँ लिखते हैं 714 इक्वल टू किससे डिवाइड किया 606 से। अब कितनी बार डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर और अपना क्वेश्चन लिख देना है, तो एक बार में ही डिवाइड होगा और बचेगा हमारा रिमाइंडर 108। बराबर, फिर से क्या होगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको ऊपर लिख लेना है। ठीक है, सिंपल से मैं एक मेथड बता रहा हूँ कैसे करते हैं, बाकी लॉजिकल वे उसका बहुत सारा है और ऐसे भी है। ठीक है, तो अब डिवाइड किससे करेंगे, एक मिनट, गलती क्या हुई हमारा, ये वाला यहाँ ऊपर आएगा और ये रिमाइंडर नीचे चला जाता है। ठीक है, ऐसे होता है। अब इसका नीचे वाला पार्ट क्या है, 606 है, डिवाइड करेंगे हम इसके रिमाइंडर से। ठीक है, अब ऊपर वाला पार्ट क्या है, 606, ठीक है, इस किससे डिवाइड हो रहा है, 108 से। अब कितनी बार में ये डिवाइड होगा, 5 टाइम्स में हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर 66। बराबर हो गया, ये इसका जो नीचे वाला डिवाइडर है यहाँ आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा, यहाँ 108 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एकदम बहुत सिंपल है, इसको हम फटाफट अप करेंगे। ठीक है, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 66 से। कितनी बार में हो जाएगा ये, एक बार में हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा 42। बराबर, क्लियर होते जा रहा है, ये पूरा आप सॉल्व करोगे यही नंबर आना चाहिए। और नीचे वाला क्या करेंगे, फिर लिखेंगे रिमाइंडर लिखेंगे, बराबर हो रहा है। ऊपर वाला फिर यहाँ लिख देना 66 बराबर 42 इंटू कितने टाइम में हो रहा है हमारा, 1 टाइम में रिमाइंडर आ गया। समझ रहा है, समझते चलो, बहुत सिंपल है, अक्सर आता है तो बच्चे कर नहीं पाते। ठीक है, बाद में हमें इस फॉर्म में भी लिखना है, इसीलिए यम और एन की वैल्यू बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू क्या है 42, रिमाइंडर क्या है 24। अब फिर क्या करेंगे, इस 42 को ऐसे लिखेंगे, किससे डिवाइड कर रहे हैं 24 से। हर बार बस हमें दो ही वैल्यू चाहिए रहेगी, नई वाली। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन जो आएगा यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आएगा 1 आ जाएगा और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 18। ठीक है, अब यहाँ जो नीचे वाली वैल्यू है 24 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो 24 इक्वल टू 18 कितनी बार में आ रहा है, 18 से अगर डिवाइड करोगे 24 को
एक बार में जाएगा, प्लस 6 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं बचा हुआ, चलिए हम आप इसको कॉपी कर लो, हम फिर ऊपर वाले में करेंगे, ठीक है। दोस्तों हमने क्या किया, अब हमारे पास रिमाइंडर क्या है, ये है, और नीचे वाला क्या है, 18 है, तो नीचे वाला और रिमाइंडर 6 है, तो ऊपर वाले को फिर ऐसे लिख लेंगे। अब क्वेश्चन इसका क्या आएगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 18 by 6, क्वेश्चन 3 आएगा, 6 3 18, और रिमाइंडर यहाँ पर जब रिमाइंडर 0 बचेगा वहीं हम स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो डिवाइज़र है क्या है, 6, हमें डिवाइज़र ही चाहिए था, समझ रहे हो। तो हमारा डिवाइज़र ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, मतलब ये जो 6 है ना, 6 से सारे नंबर्स जितने भी आए सारे डिवाइड हो जाएंगे और 0 आएगा, समझ में आ रहा है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 6 आ गया, यही हमारा आंसर था। अब हम अगली वीडियो में दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें हम लोग फटाफट बस एग्जांपल को सॉल्व कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे, बस 2 मिनटों में, ठीक है। ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों एक और रह गया इसमें, इसमें हमें बोला था कि इसके एक फॉर्म में लिखना था, हमें एक एक्सप्रेशन में लिखना था, तो इसका एक एक्सप्रेशन जो है कुछ इस तरह आया है। हमें बोला था m ऑफ 714 प्लस n ऑफ 1320 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा 13 प्लस या माइनस आएगा 714, इसका एक्सप्रेशन ये आएगा, मतलब यहाँ n की वैल्यू जो होगी हमारी और ये m की वैल्यू होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगी। ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखा दूंगा पक्का।